मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल कंटिन्यू अवर थीम 5 थ्रू द आईज ऑफ ट्रेवलर्स। इन अवर अर्लियर वीडियो आई हैड यू एक्सप्लेन टॉपिक फर्स्ट, अल बरूनी एंड द किताब उल हिंद। नाउ वी टेक अवर फर्स्ट टॉपिक, सेकेंड टॉपिक इब्न बतूता रिहला। एंड सब टॉपिक 2.1 इज एन अर्ली ग्लो ट्रॉटर। इब्न बतूताज बुक ऑफ ट्रेवल कॉल्ड रिहला, रिटन इन अरेबिक, provides extremely rich and interesting detail about the social and cultural life in the subcontinent in the 14th century. इब्न बतूता की जो बुक है, जो ट्रेवल के बारे में उन्होंने लिखा है, इसमें वो रिहला के नाम से उसको जाना गया, और जो कि अरेबिक है और अरेबिक भाषा में लिखी गई है। इससे हमें 14th सेंचुरी में सब कॉन्टिनेंट के बारे में सोशल और कल्चरल सभी की जीवन की जानकारी या डिटेल जानकारी हमें मिलती है। दिस मोरक्कन ट्रेवलर वॉज बॉर्न इन ट्रेंजियर इनटू वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेबल एंड एजुकेटेड फैमिलीज नोन फॉर देयर एक्सपर्टाइज इन इस्लामिक रिलीजियस लॉ ऑन शरिया। ये जो ट्रेवलर था या ये जो मोरक्को यात्री था, ये एक रेस्पेक्टेबल एजुकेटेड फैमिली में के जाने जाते थे, और ये इस्लामिक शरियत के अनुसार बहुत अधिक एक्सपर्ट थे। ट्रू ऑ टू द ट्रेडिशन ऑफ हिज फैमिली, इब्न बतूता रिसीव लिटरेरी एंड स्कॉलेस्टिक एजुकेशन व्हेन ही वाज क्वाइट यंग। जब वो बिल्कुल यंग थे, नौजवान थे, उन्होंने विद्वत की और साहित्यिक जानकारी या एजुकेशन प्राप्त की। अनलाइक मोस्ट अदर मेम्बर्स ऑफ हिज क्लास, इब्न बतूता कंसिडर एक्सपीरियंस गेन थ्रू ट्रेवल्स टू बी अ मोर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज देन बुक्स। अपनी क्लास मेंबर्स के अकॉर्डिंग या अपने वर्क के मेंबर्स के अकॉर्डिंग बतूता ने अपना एक्सपीरियंस, अपनी यात्रा का वर्णन, जो बहुत इम्पॉर्टेंट था, इन बुक्स के द्वारा उन्होंने यहाँ पर हमारे सामने एक इम्पॉर्टेंट सोर्स प्रस्तुत किया। और वो ट्रैवलिंग को बहुत लव करते थे, बहुत पसंद थी उन्हें ट्रैवलिंग। उन्होंने दूर दूर के स्थानों की खोज की या यात्रा की, और वहाँ से वहाँ के लोगों और नए नए लोगों के बारे में मिला, या संसार के नए नए लोगों के से उनका संपर्क हुआ, और उसका उन्होंने विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया है। बिफोर द सेट ऑफ फॉर इंडिया इन 1332-33 ही हैड मेड पिलग्रिमेज ट्रिप टू मक्का and had already traveled extensively in Syria, Iraq, Persia, Yemen, Oman and a few trading ports on the coast of East Africa. ये यहाँ पर उन्होंने पहले ही जो ट्रेवल किया सीरिया, इराक, पर्शिया, यमन, ओमन और बहुत सारे ट्रेडिंग पोर्ट्स पर भी उनका भी उन्होंने वर्णन किया है। ट्रैवलिंग ओवरलैंड थ्रू सेंट्रल एशिया, इब्न बतूता रीच सिंध इन 1333, he had heard about Muhammad bin Tughlaq, the Sultan of Delhi, and learned by his reputation as a genius portion of art and letters, set off for Delhi, passing through Multan and Uj. अपनी ट्रैवलिंग के दौरान, सेंट्रल एशिया के ट्रैवलिंग के दौरान, इब्न बतूता ने सिंध में 1333 में जब ये पहुँचे, तो वहाँ इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, जो कि दिल्ली के सुल्तान थे, उनकी रेपुटेशन और उनके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक ने उनके बारे में जब बहुत कुछ सुन रखा था, तो उन्होंने वो उसकी विद्वता से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए, और उन्होंने अपने यहाँ पर दिल्ली में उन्हें काजी या जज के रूप में नियुक्त कर लिया। ही रिमेंड इन दैट पोजिशन फॉर सेवरल ईयर्स, काफ़ी साल तक वो इसी पोजिशन पर रहे, और उन्होंने लेकिन बाद में उन्हें फेवर एंड वॉज थ्रोन इन टू द प्रिजन, उनके फेवर में रहे और बाद में उन्हें प्रिजन में डाल दिया गया। वंस द मिसअंडरस्टैंडिंग, एक बार उनके बीच में और सुल्तान के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, फिर उन्हें उसको क्लियर किया, और उन्होंने पूरी जो भी इंपीरियल सर्विसेज वहाँ पर किया था उसको रिस्टोर किया। 1342 में चाइना के सुल्तान और मंगोल रूलर ने उन्हें ऑर्डर दिया
विद द न्यू असाइनमेंट इब्न बतूता प्रोसीडेड टू द मालाबार कोस्ट थ्रू सेंट्रल इंडिया. फ्रॉम मालाबार ही वेंट टू द मालदीव वेयर ही स्टेड फॉर 18 मंथ्स एज अ काजी बट इवेंचुअली डिसाइडेड टू प्रोसीडेड टू श्रीलंका. अपने असाइनमेंट के दौरान, नए असाइनमेंट के दौरान, वो इब्न बतूता ने मालाबार कोस्ट की तरफ सेंट्रल एशिया में आगे वो आगे बढ़े और वहाँ पर जाके मालदीव्स में वो 18 महीने तक काजी के रूप में रहे और इसके बाद उन्होंने श्रीलंका की तरफ चले गए और वहाँ वापस जाकर एक महीने एक बार वहाँ पर फिर वापस मालाबार कोस्ट आए और मालदीव्स आए बिफोर रिज्यूमिंग हिज मिशन टू चाइना. विजिटेड बंगाल एंड असम एज वेल एज ही टुक अ शिप टू सुमात्रा एंड फ्रॉम देयर अनदर शिप फॉर द चाइनीज पोर्ट टाउन ऑफ जुत्यान now known as Quanzhou. He travelled extensively in China, going as far as Beijing, but did not stay for long. ज़्यादा लंबे समय तक वो वहाँ नहीं रहे और वापस उन्होंने 1347 में वापस अपने घर आने का डिसाइड किया. His account is often compared with that of Marco Polo, who visited China from his home base in वेनिस इन द लेट 13th century. अपनी यात्रा में वो उन मार्को पोलो से भी उन्होंने विजिट किया चाइना में और फिर उसके बाद वो अपने होम 13th century में बाद में वेनिस में अपने वापस उनके होम वेनिस में वो उनसे मिले. इब्न बतूता मैट्रिकुलस रिकॉर्डिंग हिज ऑब्जर्वेशन अबाउट न्यू कल्चर पीपल बिलीव वैल्यू एक्सेट्रा. He needs to bear in mind that this globetrotter was traveling in the 14th century when it was much more arduous and hazardous to travel than it is today. कि जो इब्न बतूता की जो उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन पूरा नए नए कल्चर या लोगों के बिलीव वैल्यूज़ को एक्सेट्रा के बारे में उन्होंने जो भी लिखा इनका जो विश्वव्यापी इनका जो उनकी यात्रा थी या उनकी 14th century में वो बहुत ज़्यादा दुष्कर और बहुत ज़्यादा डेंजरस थी, खतरनाक थी कि लेकिन आज ऐसा नहीं है. आज हम इजीली कहीं भी आ जा सकते हैं. अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता इट टुक 40 days टू ट्रेवल फॉर मुल्तान टू दिल्ली. मुल्तान से दिल्ली जान पहुँचने में उन्हें 40 दिन लगे थे और अबाउट सिंध से दिल्ली जाने में उन्हें 50 days लगे थे और इस डिस्टेंस में फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद कवर्ड करने में उन्हें 40 days में उन्होंने कवर किया था. दैट फ्रॉम ग्वालियर टू दिल्ली टुक 10 days और ग्वालियर से दिल्ली उनको आने में 10 दिन का समय लगा था.